हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत स्वस्थ और अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और अभी विंटर का समय आ रहा है, जो कि अपने शरीर और अपने स्किन का, अपने त्वचा का देखभाल करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। स्किन की देखभाल तो वैसे हर मौसम में करना चाहिए, लेकिन सर्दियों में स्किन की समस्या थोड़ा बढ़ जाती है। स्किन को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है और सभी चाहते हैं स्किन सुंदर और सॉफ्ट दिखे। तो आज हम बात करेंगे कच्चे दूध से। कच्चा दूध स्किन पर लगाने से ये चेहरे की ड्राइनेस को भी दूर करेगा और साथ ही स्किन को क्लींजर भी करता है। तो कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जिससे कच्चे दूध की मदद से आप स्किन को एक्सफोलिएट भी कर सकते हैं। तो मैं अपने चेहरे पर नहीं लगाकर, हाथों पर लगाकर आपको बता रही हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा से स्किन दिख रहा है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सुंदर सुंदर। तो आप इसी तरह से आप यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एलोवेरा का। एलोवेरा जेल कई सौंदर्य लाभों के लिए भी जाना जाता है। ये त्वचा संबंधित कई समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। एलोवेरा जेल में विटामिन सी और ई बीटा कैरोटीन अधिक मात्रा में होता है। इससे चेहरे फ्रेश और ग्लोइंग रहता है। इस जेल को जब सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो फ्रेंड्स, ये एक अच्छे फेशियल क्लींजर और मॉइस्चराइजर दोनों ही का ही काम कर सकता है। तो इसे सुबह भी आप लगा सकते हैं, या रात में सोने समय, या शाम को भी इसे आप लगा सकते हैं। इस तरह से सर्कुलर मोशन में इस तरह से थोड़ा सा 5 मिनट मसाज करके लगाएं। उसके बाद फिर नॉर्मल पानी से धो लें। बस इतना सा करना है। इसी से आपका जो इस विंटर में आपका चेहरे का इतना ख्याल रखेगा और आपके चेहरे के दाग धब्बे को भी खत्म करेगा। सर्दियों में भी एड़ियां फटने लगते हैं, तो चलिए अब करना क्या है। सर्दियों में सरसों का तेल बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इसे आप अपने यदि एड़ियों पर लगाते हैं या अपने बॉडी पर लगाते हैं, तो ये अल्ट्रावायलेट किरणों से और पॉल्यूशन से बचाता है और आपकी एड़ियां फटने भी नहीं देंगे। इसे लगाने से आपकी पैरों में सुंदरता बढ़ जाएगी। आपकी स्किन ड्राई है तो उसमें भी आप सरसों का तेल लगा सकते हैं। यूं माने तो पूरे बॉडी में सरसों का तेल लगा के स्नान करना चाहिए। पूरे बॉडी में सरसों का तेल लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में जो पेन होता है उससे भी राहत होगा। सर्दियों के मौसम में अधिकतर लोग गर्म पानी से नहाते हैं, तो ज्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। बस इतना ही पानी डालें जो कि पानी नॉर्मल हो जाए। ज्यादा गर्म पानी से नहाने से क्या होता है वो भी अब हम आपको बताएंगे। आपने सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। तो हमने यहाँ पे 2 टमाटर रखा है और एक में गर्म पानी डाल रही हूँ और एक में ठंडा पानी। तो इसे क्या होता है चलिए देखते हैं। तो ये गर्म पानी का जो टमाटर था, इससे स्किन इसका क्या हाल हुआ है। और ये ठंडे पानी का जो टमाटर है, इसका स्किन देखिए कितना अच्छा से तरोताजा है। गर्म पानी से जो स्किन का नेचुरल ऑयली होता है उसको हटा देता है, जिसके वजह से त्वचा डिहाइड्रेट हो जाता है और इससे आपके स्किन में रूखापन भी हो सकता है। सर्दियों में छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के इसी तरह से आप सुंदर दिख सकते हैं और ठंडियों का एंजॉय ले सकते हैं। सर्दियों के मौसम में अधिकतर लोग पानी नहीं पीते हैं क्योंकि ठंडी लगती है, लेकिन पानी पीना बहुत जरूरी है, नहीं तो सारा बैलेंस बिगड़ सकता है फ्रेंड्स। और योगा भी करना बहुत जरूरी होता है। आधे घंटे के लिए मॉर्निंग वॉक करें, जिससे आपके अंदर ताजगी भर देगी और अपने आप को फ्रेश फील करेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।